भोजपुरी के वो गाने जिन्होंने बॉलीवुड ही क्या साउथ इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया। आज बॉलीवुड के कई सॉन्ग्स जो हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों से इंस्पायर होते हैं। ये बात और है कि सीधे सीधे तौर पर वो कॉपी नहीं करते, लेकिन इंस्पायर तो उन्हीं से होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी कहाँ है, जहाँ हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जनाब अपनी आँखें खोलिए और हमारा ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। आपको पता चल जाएगा 100 नहीं 300 नहीं बल्कि 700 मिलियन के गाने हमारे सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री से निकलते हैं। और कुछ गाने और कुछ गायक तो इतना ताज्जुब कर देते हैं कि यकीन नहीं होता कि ये इतनी रेस में आगे बढ़ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल भोजपुरी में हर एक ट्रेंड के गाने चल रहे हैं, लेकिन हम शुरुआत भोजपुरी के उन लोगों से ही करेंगे जिनके गानों ने पहली बार दस्तक दी 200 मिलियन पर। इसमें पहला नाम पवन सिंह का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं पवन के वो गाने जिन्होंने 100 नहीं 200 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया है। और यकीन मानिए पवन ही नहीं, खेसारी के भी ऐसे कई सुपरहिट सॉन्ग हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह रिलीज होते तो आज उन सॉन्ग्स को तकरीबन 500 मिलियन व्यूज़ मिले होते। लेकिन कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से ये गाने अपना वो मुकाम नहीं बना पाए। पवन सिंह भोजपुरी के ऐसे स्टार हैं जिनके पहले गाने ने बहुत बड़ी दस्तक दी, जिसका नाम था छलकत बहमरो जवनिया, जो पहला सॉन्ग बना जो 100 मिलियन क्रॉस हुआ, फिर उसके बाद 200 मिलियन और अब ये 350 मिलियन के ऊपर क्रॉस कर चुका है। और इस गाने ने भाई सभी को अपना दीवाना बनाया। आज ये गाना 380 मिलियन पर है और इसे की लाइक की आप बात करेंगे तो यकीन मानिए इसकी लाइक 1 मिलियन पहुंचने ही वाली है। तो चलिए पवन का दूसरा सॉन्ग जो बहुत ही खूबसूरत मीठा मीठा बात है, कमरिया, 465 मिलियन, जो कि 500 मिलियन पहुंचने में अभी। इसके लाइक की बात करेंगे तो 15 लाख तो इसको लाइक मिल चुके हैं। इस गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया। ये गाना हिंदी में था लेकिन भोजपुरी फिल्म में था, इस वजह से इस गाने की गिनती हमेशा भोजपुरी गानों में ही की जाएगी। और अब पवन का वो सॉन्ग जिसने भाई इंटरनेशनल मार्केट तक में अपनी पहचान बनाई है, लॉलीपॉप लागेलू, इसे 137 मिलियन ही व्यूज़ मिले हैं। लेकिन इसके पीछे, जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि कई गाने हैं भोजपुरी सिंगरों के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो चुके हैं, इसका फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हुआ है। व्यूज़ इकट्ठे नहीं आए हैं, अलग अलग आए हैं और उन्हें आप नहीं जोड़ सकते। तो अभी फ़िलहाल 137 मिलियन पर ये गाना चल रहा है। और क्रैक फाइटर का एक गाना, सड़िया जब हम पहनी, जी हाँ, इस गाने में पवन सिंह नहीं है लेकिन गाना पवन सिंह की फिल्म का ही है। 240 मिलियन गाना ये पहुँच चुका है और यकीन मानिए इस गाने को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। यहाँ हम पवन के एल्बमों की अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ ये फिल्मों के गानों की बात हो रही है। और अब मीठा मीठा बात है कमरिया, जो पिछले साल रिलीज़ हुआ है, उसने भी 100 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिया है। खेसारी लाल यादव, जी हाँ, खेसारी लाल यादव के लिए तो 100 मिलियन मानो बच्चों का खेल है। उनके कई गाने 100 मिलियन पहुंच चुके हैं। 100 मिलियन गानों की थोड़ी कम बातें करेंगे, बात करेंगे ट्रू 100 मिलियन की। खेसारी भोजपुरी के इकलौते ऐसे स्टार हैं जिनके गाने सबसे ज़्यादा 200 मिलियन में हैं और उसमें से कूलर कुर्ती में लगा ला 248 मिलियन, सरसों का सगिया 180 मिलियन, मिलता मरद हमके भूल गेलू 350 मिलियन और कौन भतर कटनी भतार के फसौलस 2 मिलियन, जो कि अक्षरा सिंह के साथ है। ये सारे फिल्मी गाने हैं और यकीन मानिए इन गानों को लोगों ने बहुत पसंद किया है। मिलते मरद हमके भूल गेलू, ये खेसारी का जो है एल्बम सॉन्ग है। और तो और खेसारी का भतीजवा के मौसी जिंदाबाद जो है वो भी 250 मिलियन क्रॉस कर चुका है। यानी कि खेसारी लाल यादव इकलौते भोजपुरी के ऐसे स्टार हैं जिनके तकरीबन 3 से 4 गाने 200 मिलियन में हैं। ये सिर्फ उनके फैंस की बदौलत ही हो पाया है। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि इसमें अंकुश राजा
का नाम भी बहुत आगे आ रहा है। अंकुश राजा के लाखों है दीवाने जो गाना है 275 मिलियन व्यूज़ मिले हैं, और कुआरे में गंगा नहीने बानी जिस गाने को सिर्फ 3 महीने हुए उसको 230 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। और वहीं पर काफ़ी समय बाद अपने कैरियर के तकरीबन 8 से 10 साल बाद राकेश मिश्रा के झोली में एक गाना गिरता है, ए राजा तनी जाई ना बहरिया, 312 मिलियन 9 महीने में इस गाने को व्यूज़ मिलते हैं। और ये गाना भोजपुरी का पिछले साल का सबसे सुपर हिट डुपर हिट सॉन्ग था और इस सॉन्ग को बहुत पसंद किया था। अब नीलकमल सिंह की बात कर लेते हैं, लयका तोहरा के पापा पापा कहा था 180 मिलियन। जी हाँ, इस गाने ने 5 महीने में ये आंकड़ा पार किया है और बहुत ही जादुई आंकड़ा है। लोगों ने इस गाने को बहुत पसंद किया, जो अभी तक नीलकमल सिंह को जानते नहीं थे वो इस गाने से जानने लगे। लयका खेलाई की तोहरा के ये भी गाना बहुत लोगों को पसंद आया, इसने भी 100 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया है। साथ ही हम अरविंद अकेला कल्लू की बात कर ले रहे हैं, तो अरविंद अकेला कल्लू काफ़ी सालों से अपने चाइल्डहुड से गाने गाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन तोहरा दुआरा पे डीजे बजता, जिन्होंने ये गाना सुना होगा वो जानते होंगे कि 154 मिलियन ये गाना है और अरविंद का ये इकलौता 100 मिलियन सॉन्ग है। और आपको बता दें कि अरविंद की गायकी को बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा चौंकाया है किसी ने तो अक्षरा सिंह ने। वैसे अक्षरा सिंह, हम आपको बता दें कि भोजपुरी की का जाना माना नाम है, लेकिन वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे एक ऐसा सितारा जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री को अपने गानों से हिला दिया है, और ना वो खेसारी है, ना वो पवन, ना वो निरहुआ है, तो इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना ही पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अक्षरा सिंह जो है उनका एक सॉन्ग जो कि आजकल बहुत लोगों को पसंद आ रहा है और वो गाना 200 मिलियन व्यूज़ भी क्रॉस कर चुका है। भोजपुरी की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जो गायिका हैं और इनका गाना लोगों को पसंद भी बहुत आता है। ये बात और है कि वो मीनिंग कभी कभी समझ में नहीं आते, लेकिन हाँ, गाना लोगों को अच्छा लग रहा है, फैंस है। गाने ने 260 मिलियन व्यूज़ हासिल किए हैं जो कि एक बहुत बड़ी बात है अक्षरा के लिए। ठीक वहीं दूसरी तरफ कॉल करें क्या, इस गाने ने भी 100 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिया है। ठीक, अक्षरा के ये दो बेहतरीन गाने हैं। और अब हम बात कर लेते हैं भाई नन अदर देन रितेश पांडे की। भाई रितेश पांडे की अगर बात नहीं की गई यहाँ पर तो ये पूरा वीडियो पूरी तरह से अधूरी और बेमानी होगा, क्योंकि रितेश पांडे भोजपुरी के इकलौते ऐसे स्टार हैं जिनका एक गाना 768 मिलियन गया हुआ है और भोजपुरी में ये खिताब किसी को नहीं हासिल है, सिर्फ रितेश पांडे को हासिल है। रितेश पांडे का के गाने के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि अगर उनके बारे में बात नहीं की गई तो ये वीडियो और ये रिसर्च अधूरी और बेबानी होगी। हेलो कौन, जी हाँ, रितेश का 768 मिलियन व्यूज़ हासिल किया है इस गाने ने और तबाही मचा चुका है ये गाना, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, ये बात और है कि ये हिंदी में गाया गाना हुआ है, लेकिन भोजपुरी आर्टिस्ट की वजह से है तो इसकी गिनती हमेशा भोजपुरी गानों में ही होती है। फिर कई ऐसे गाने हैं जो कि आपको रितेश के बहुत पसंद आएंगे, पियवा से पहले हमार रेलू 239 मिलियन, जी हाँ तकरीबन 240 मिलियन आ जाएगा कुछ ही दिनों में। अब पहले चंदा वाला सॉन्ग जो कि रिलीज़ होता है रातों रात रितेश स्टार बन जाते हैं, बहुत लोगों को पसंद आता है। भोजपुरी एक अलग मिठास है इस गाने में, लोग आज भी इस गाने को बहुत पसंद करते हैं। 102 मिलियन है इस गाने का रिकॉर्ड। और आपको बता दें कि ये गाना के साथ यही हुआ है कि शुरू में ये गाना अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो गया, जिस वजह से इस गाने को बहुत लॉस हुआ है। अगर ये गाना एक ही प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होता तो आज तक ये 200 मिलियन तो क्रॉस कर चुका होता, और फिर उसके बाद जो ताई नहीं दूंगी 113 मिलियन इस गाने को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो इस तरह से देखा जाए तो रितेश सबसे बड़े स्टार साबित होते हैं, उनका अकेले एक गाना 768 मिलियन, यानी कि तकरीबन अगर लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छी तरह से इस गाने को देखा गया तो ये 800 मिलियन पहुँच जाएगा। इसमें हम प्रदीप पांडे चिंटू का भी नाम लेंगे, पांडे जी का बेटा हूँ, जिसे पहले रितेश पांडे ने गाया था लेकिन फिर बाद में
चिंटू ने वक्त की नज़ाकत को समझा और वो समझ गए कि ये गाना बहुत ही ज़बरदस्त हिट होने वाला है। उन्होंने फिल्म से रितेश पांडे का जो गाना हटा कर अपना गाना गाया, पांडे जी का बेटा हूँ, 484 मिलियन। ये बात और है कि चिंटू की आवाज़ इतनी बेहतरीन नहीं है जितनी अच्छी रितेश की आवाज़ है, और जितना अच्छा ये गाना रितेश की आवाज़ में लगता है उतना अच्छा ये प्रदीप पांडे चिंटू की आवाज़ में नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब उस स्टार की बात, जिसने आप ये कह सकते हैं इस स्टार को कि ये छुपा रुस्तम है, जी हाँ ये भोजपुरी का छुपा रुस्तम है, वो सिंगर जिसने रातों रात सबकी नींद उड़ा दी और इस गाने की लाइक की आप बात करेंगे, बहुत ही कम समय में 1.3 मिलियन लाइक मिला है, गाना 300 मिलियन क्रॉस कर चुका है, तू हंस के बोल लू ये जान। यकीन मानिए अगर आपने ये गाना नहीं देखा है तो देखिए, इस गाने ने भोजपुरी से अश्लीलता वर्ड ख़त्म कर दी है और बहुत ही बेहतरीन डांसिंग स्किल है, हर एक चीज़ फुल टू पैकेज है। अगर आपने ये गाना नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और इनके जो सिंगर अवनीश बाबू, जी हाँ हेड्स ऑफ है उनकी आवाज़ को, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, और इस गाने के लिए हम स्पेशली रेकमेंड करेंगे कि आप ये गाना देखिए। सॉरी, जब मैं हमने ये कहा कि 1.3 मिलियन लाइक है, जबकि 1.3 नहीं 1.5 मिलियन लाइक है, और गाने ने बहुत ही कम समय में बहुत ही उम्दा काम किया है और लोगों को ये गाना पसंद भी आ रहा है। इस गाने का लाल बाबू ने सेकंड पार्ट भी निकाला है जो कि कल या परसों ही रिलीज़ हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।